हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्लबिंग का क्वेश्चन है एंड द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द फाइल। क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है क्लबिंग का। यहाँ पर इंडिविजुअल अपने स्पाउस को असेट ट्रांसफर करता है और आपको पता है अगर इंडिविजुअल अपने स्पाउस को असेट ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, उसके ऊपर जो इनकम आती है वो वापस क्लब हो जाती है इंडिविजुअल के हाथों में। तो यहाँ पर एक असेसी है मिस्टर कमलेश, उन्होंने अपनी वाइफ सुगंधा को 10 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किए गए। सुगंधा ने उसमें से 10 लाख में से कुछ पोर्शन किसी को उधार दे दिया, उसके ऊपर इनकम आने लगी इंटरेस्ट की 50,000 रुपीज़ की। असेट जो ट्रांसफ़र हुए थे उसके ऊपर जो इनकम आती है वो क्लब हो जाएगी। तो अगर हमारे असेट के ऊपर कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो वापस क्लब हो जाएगी इंडिविजुअल के हाथों में। 50,000 रुपीज़ को आप क्लब कर दीजिएगा मिस्टर कमलेश के हाथों में। बट अगर इस क्लब्ड इनकम से कौन सी क्लब्ड इनकम थी, 50,000, फर्दर कोई इनकम आती है उसकी क्लबिंग नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो क्लब्ड इनकम थी 50,000 रुपये, उससे शेयर्स खरीदे गए और शेयर्स बेचे गए उसी साल और इसके ऊपर 25,000 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया। 75,000 माइनस 50,000 रुपीज़, ये 25,000 रुपये का जो गेन आया है ये कहाँ से आया है, उस ओरिजिनल असेट से या क्लब्ड इनकम से? दिस वॉज फ्रॉम क्लब्ड इनकम। ये 25,000 रुपीज़ आप क्लबिंग नहीं करेंगे और ये इनकी वाइफ के हाथों में, मिसेस सुगंधा के हाथों में ही टैक्सेबल होने वाली है। आई एम रिपीटिंग द प्रोविजन, इनकम फ्रॉम क्लब्ड इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड। आपको यही फ्रेज लिखना है वहां पर, इनकम फ्रॉम क्लब्ड इनकम विल नॉट बी क्लब्ड। तो 25,000 रुपये का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसकी क्लबिंग नहीं होगी, बट 50,000 रुपये जो आए थे वो असेट से आए थे वो क्लब होंगे। 25,000 रुपये ओरिजिनल असेट से नहीं आए हैं, वो क्लब्ड इनकम से आए हैं, उसको क्लब मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोविजन, अगर असेसी अपने असेट ट्रांसफ़र करता है अपने स्पाउस को और वो स्पाउस उसको एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। आई एम रिपीटिंग, अगर कमलेश ने इस क्वेश्चन में पैसे दिए या कोई दूसरा असेट दिया अपने स्पाउस को, अपनी वाइफ को, और उसकी वाइफ ने इसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो जो प्रॉफिट आने वाला है वो भी क्लब होगा। इनफैक्ट अगर प्रॉफिट क्लब होगा तो नेगेटिव प्रॉफिट भी क्लब होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट्स और लॉसेस आर इररिलेवेंट। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर क्लबिंग के प्रोविजंस हैं तो प्रॉफिट क्लब होना है तो लॉसेस भी क्लब होने हैं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम कमिंग बैक, अगर असेसी ने अपने असेट ट्रांसफ़र करे अपने स्पाउस को, स्पाउस ने उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में, तो वहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉसेस आने वाले हैं उसको भी क्लबिंग कर दीजिएगा। बट प्लीज़ ध्यान दीजिए कितना अमाउंट क्लब करेंगे। आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वो अपनी कैपिटल के ऊपर करते हैं, दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितनी की गई, 5 लाख रुपीज़ की, और इसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया गया, -15,000। तो ये 15,000 भी कैपिटल किसकी थी, कमलेश की। उसके ऊपर जो 15,000 रुपये कमाए गए वो भी ऐड हो जाएंगे कमलेश की इनकम में, यानी कि क्लबिंग होने वाली है। अगर फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर 5 लाख रुपये कमलेश के होते और सुगंधा ने भी कुछ पैसे लगाए होते, तो जो प्रॉफिट आता वो प्रोपोर्शनेटली क्लब होता कि कैपिटल इंडिविजुअल की कितनी थी और उसके स्पाउस की कितनी थी। तो आप एक प्रोपोर्शनेटली आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कितनी उसने ट्रांसफ़र की, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू प्रॉफिट अर्नड या लॉस इनकर्ड। तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो कैपिटल कितनी लगाई गई थी जो ट्रांसफरर से मिली थी, 5 लाख, टोटल कैपिटल बिजनेस की कितनी थी, कुछ नहीं दिया हुआ तो एज्यूम करेंगे वो भी 5 लाख ही थी, और इनटू प्रॉफिट या नेगेटिव प्रॉफिट। तो यहाँ पर 5 लाख की कैपिटल ट्रांसफरर ने दी थी, टोटल कैपिटल भी 5 लाख थी, यानी कि 5/5 विल बी 1, इनटू 15,000 नेगेटिव वुड बी 15,000। इसका मतलब 15,000 पूरे के पूरे क्लब होने वाले हैं ट्रांसफरर के हाथों में।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यहां पर ये जो फॉर्मूला लगा है कैपिटल का कि कैपिटल कितनी ट्रांसफर करी इंडिविजुअल ने, वो कौन सी कैपिटल लेनी है एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि हम अपनी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट अर्न करते हैं, अपनी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर नहीं, अपनी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो ये देखेंगे कि हमारे ईयर का ओपनिंग डेट क्या थी, इट वॉज 1 अप्रैल 2018। तो उस दिन इंडिविजुअल ने कितनी कैपिटल लगाई थी, उससे पहले ही कैपिटल लगा दी होगी ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल थी। टोटल ओपनिंग कैपिटल भी 5 लाख थी, इसका मतलब 5 अपॉन 5 × 15,000 पूरा का पूरा क्लब होने वाला है कमलेश के हाथों में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्या चीज़ें क्लब होंगी, तो 50,000 रुपये का इंटरेस्ट क्लब होगा और 15,000 का लॉस भी क्लब हो जाएगा, ये दोनों कमलेश के हाथों में जाने वाले हैं। और जो क्लब्ड इनकम से इनकम कमाई गई थी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 25,000 रुपीज़, उसको क्लब मत कीजिएगा। और आपको ध्यान होगा कि अगर शेयर्स बेचे जाएं जिसके ऊपर एसटीटी पे हुआ है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे हुआ है, एंड इफ दीज शेयर्स आर शॉर्ट टर्म, 1 साल से पहले बेच दिए आपने, तो इसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है 15%, 111A। तो 25,000 के ऊपर 15% का टैक्स आने वाला है जो सुगंधा के हाथों में ही आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। मैं इस वीडियो के बाद इसकी प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, आप पॉज करके इस वीडियो को आराम से वो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आई होप कि आप अपना होमवर्क टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू डू 2 questions per day और आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट इनकम टैक्स के यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।